रात के बज गए 8। ऐसी चाय मिल जाए ना पूरे दिन एनर्जी रहती है, पूरा दिन अच्छा जाता है। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। चार चार मोहन जी पूरी वाले। पूरा टाइमिंग ठीक है, हम 2 बजे पहुंचेंगे। पूरे 12 घंटे का भैया, सिर्फ फर्क है कि रात के 2 दिखा रहा था, सुबह के 2 बजे आए हैं। 12 घंटे का गैप है। पाजी 12 घंटे क्या किया है हमने? पंच रुके हैं, स्टे नहीं लिया, स्टे लिया आपने, दर्शन करे हैं, गेम करोले बाबा के, और ड्राइव किया, ड्राइव किया, नाश्ता किया, कुछ नहीं कर रहा जीपीएस। और ये लेके हम पहुंच गए कसौनी, और पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई। कसौनी के पहाड़ों में होटल ढूंढते हुए, वीरानों में खोजते हैं होटल, मिल गया शायद, आ गया। और पहाड़ों के ड्राइवर हमने दिए गड्डी पाजी को चढ़ाने के लिए, तो ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए। फिर आए पाजी, इनकमिंग के एक्सपर्ट है। प्राइम लोकेशन, बिल्कुल एच टू एच गाड़ी लेके आए हम, एच टू एच, और यहाँ से बेहतर व्यू आपको दिया जाए, इसलिए हम बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तो लेना ही पड़ेगा। रूम ले लिया हमने भाई साहब, बढ़िया से, और ये तैयारियाँ चल रही हैं खाना बनाने की। और ये हमारी टीम लगी हुई है मटर छीलने में, दर्श भैया हमारे, हैप्पी भैया, अजय, राजन, और मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ ऑफिस का करके, फिर इनको ज्वाइन करता हूँ। बस हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सी देर और। लो जी भाई जी की मेहनत देखो, इनकी आँखों से मेहनत दिख रही है, देखो आँखों से। रात को तो प्याज आँखों में दिखता नहीं। पुलाव बनेगा और शायद मैगी बनेगी रात को। हाँ मैगी खा लेगा, आटा मैगी है, आटा मैगी खा लोगे? मैं तो भुर्जी भी खा लूंगा। कितना टाइम और लगेगा? ये कट रही है, उसके बाद बताएं। अच्छा, बाहर का व्यू दिखा दे। बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, व्यू तो अल्टीमेट है बाहर का। वो जी देखो बाहर का व्यू, फुल स्नो पीक्स हैं, इसको बोलते हैं पंचोली पीक्स। ठंड हो रही है भाई। ये नीचे रूम लिया हुआ हमने, ऊपर छोड़ दिया था, ऊपर नीचे कौन जाए बार बार, नीचे ठीक रहता है। अजय चल खड़ा हो जा, कुछ काम कर ले। अजय लहसुन लाया? मैं शार्क टैंक देख रहा हूँ। शार्क टैंक देख रहा हूँ, चलो करो तैयारी। फिर करे तैयारी शाम की? क्या तैयारी करे शाम की? टेबल से जाके फोटो खींच देना। चलो होगी तैयारी पुलाव बनाने की भैया? बोलो भी, मैं तो कह चलो क्या, बस तैयारी है, और 1 घंटे तक चूल्हा जल जाएगा, साझा चूल्हा, साझा चूल्हा। बहुत ठंडा भाई, इधर चल रही है तैयारी कुकिंग की। मटर छीलनी है, प्याज काट लिए हैं, टमाटर सब रेडी, और व्यू देखिए, आज अपना किचन यहाँ लगेगा, ये ग्राउंड में लगाएंगे, और वो साथ में हमारा रूम है। अजय बाबू आइए, मस्त लोकेशन है, पूरा होटल खाली पड़ा है, तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी हमें। रात के बज गए 8, अब बन रहा है पुलाव, अपना शाही पुलाव, पूरी तैयारी है। तो भाजी तैयारी है पूरी, हाँ जी बाजी क्या कह रहे हो?
प्याज भून रहे हैं। प्याज भून रहे हैं अजय, तैयारी है पुलाव की? हाँ, और यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से नज़ारा देखो बस। अजय कौन सा शहर नीचे? अरे अल्मोड़ा होगा भाई ये। हाँ अल्मोड़ा कसानी, ये कसानी है पूरा, ये कसानी भी है और मिक्स है, सारे ना क्या लाइटिंग है दस तेरा डिग्री टेम्परेचर करंट तेरा कल तो 9 आ रहा था जब तुम चेक किया, 9 डिग्री आ रहा था। 9 रात तक हो जाएगा, रात तक 3 कह रहे हो जाएगा। 3 हो जाएगा? अच्छा 3 कैसे हो सकता है, कोई बारिश आई है क्या? कढ़ाई बहुत बहुत हल्की है। तो दोस्तों यहाँ और ये पुलाव की तैयारी, सब्जियाँ वाले पुलाव, वेजिटेबल पुलाव बन रहे हैं यहाँ पे, और ये ग्लूटेन वाला सिलेंडर हमारा, गैस चूल्हा और पुलाव रेडी हो रहा है। 8 बज गए हैं। The next morning. Good morning. Good morning from कसौनी। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितनी शांति है। बस थोड़े साथ बादल हैं, क्लियर नहीं है बिल्कुल मौसम, और ये बर्फ वाले पहाड़। टीम हमारी सो रही है, सोने दे, कल जल्दी उठा दिया था, आज नहीं उठाऊंगा। गुड मॉर्निंग फर्मा जी, कैसे हो? ये है अपना होटल कसौनी बेस्ट इन। कितनी शांति है यार यहाँ पे, शोर शराबे से दूर मज़ा आ गया। ये बैक व्यू या फ्रंट व्यू कह सकते हैं, उधर से पूरी माउंटेंस दिखाई दे रही थी। आज बादल है मौसम में, चलते हैं थोड़ी सैर करके आते हैं, और कुछ ब्रेड दूध लेके आता हूँ, आज खुद अपनी चाय बनाएंगे। भैया जी की शॉप थी यहाँ पे छोटी सी, और हमने दूध ब्रेड ले लिया, अपनी चाय बनाएंगे खुद ही। रुके हम होटल में हुए हैं, लेकिन चूल्हा लेके आए हुए हैं, छोटा सा बनाते हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं, चाय बना रहे, रात को खाना भी खुद बना रहे थे। ओ देखिए अजय जी ले रहे हैं नेचुरल बाथ, बाथरूम की खिड़की खोल के। अजय ये होता है देखो, है नेचर में आने का फायदा, यहाँ वॉशरूम में कुंडी नहीं लगाई है, खिड़की होती है कुंडी नहीं लगाई जाती। ये देखिए मैं यहीं से आऊँगा। वाह जे वाह 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 भाइयों, वाह वाह मेरे शेरो। तो भैया सुबह सुबह छोड़िए चाय की तैयारी, चाय बन रही है इधर हमारी, और सब सामान आ चुका है, ब्रेड सैंडविच बनेंगे अभी। भैया ब्रश कर रहे हैं, देखो इन द लैप्स ऑफ माउंटेन, पहाड़ों में ब्रश करने का जो मज़ा है, देखिए सामने बर्फ के पहाड़ और यहाँ कर रहे हैं ब्रश। ये जो नेचर से जो प्यार है भैया का, देखते ही बनता है। सामने बर्फ के पहाड़, और भैया थूकना मत, बस यहाँ पे गंदा हो जाएगा। फुल खुले में ब्रश कर रहे हैं, देखिए कभी सोचा होगा भैया आपने, कल आप दिल्ली में दीवारों के बीच में ब्रश कर रहे हो और यहाँ पहाड़ों में कर रहे हो, बताओ है ना कुछ गजब की चीज। क्यों भाजी, मैं तो कह रहा हूँ बाल्टी वाल्टी ला के यही नहाते हैं, हैं मजा आएगा। बाल्टी डब्बे वो वैसे ना जरूरत नहीं है, वो पाइप लगा, वो पौधों को पानी दे रहा है, वही नहा लेते हैं। और क्या स्नानम भाई, मजा आ रहा है, ऑसम। धूप निकल आई है, सुबह सुबह तो बादल थे, बादल छट रहे हैं और धूप आ रही है, मजा आने वाला है। चाय रेडी है, होटल वाले भी कह रहे होंगे, हाले
कहाँ से आ गए ऐसे ग्राहक आए तो होटल ही बंद हो जाए सब कल से यही लग रहे हैं, डिनर खुद बना रहे हैं, चाय खुद बना रहे हैं, नाश्ता खुद बनाएंगे, है भैया कैसे चलेगा होटल ये बंद करवा के मानेंगे। तो चाय बन के हो चुकी है हमारी रेडी, दूध कम पत्ती तेज, है भैया, और पाजी हमारे रेडी हैं चाय पीने के लिए। ठीक है पाजी। सर मेरी फेवरेट चाय जो मुझे होटल की पसंद नहीं होती कभी भी रिसोर्ट की, अनिल ने बना के दी है। चाय चाय पे दूध कम है, ठीक है ना, हरी मिर्च मत डलवाइयो उसमें। तो फिर मेरा ऐसी चाय मिल जाए ना पूरे दिन एनर्जी रहती है, पूरा दिन अच्छा जाता है, मजा आ गया। मजा आ गया। और पॉइंट देखो कैसे जगह बैठ के पी रहे, ये भी तो मायने रखता है, ये ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा मैटर करता है। ठीक भाई जी, आपने वहाँ जाके ब्रश किया, देखो पहाड़ों के सामने बर्फ के पहाड़, यहाँ बैठ के चाय पी रहे हो, अभी नाश्ता भी यहीं करोगे। अब बना रहा हूँ जी, नहा धो के सब हो चुके हैं रेडी, फ्रेश मूड में, और अब टाइम आ गया है चेकआउट करने का, सामान सब पैक कर दिया है। भैया रेडी है? हाँ रेडी है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट अभी बताएंगे, अभी बताएंगे है, अभी सोचेंगे। और यहाँ फोटो सेशन चलता है और राजा बाबू का पिक्स लेंगे, ये दो तीन स्टेटस लगाएंगे, उड़ने वाले हैं ये फ्लाइंग फ्लाइंग राजन दी फ्लाइंग सिख, उड़ा तो नहीं बढ़िया। फोटो सेशन चलता हुआ और बादल छट गए हैं, सुबह सुबह बादल थे काफ़ी, खाना वाना हमने सब बना लिया अपने लिए, खा पी के चाय वाय पी के अब चलते हैं होटल करते हैं चेंज, और धूप निकल गई है, देखो बर्फ के पहाड़ पूरे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। फोटो सेशन करा रहे हैं, भैया बता रहे कैसे आना चाहिए किस लाइन में आगे गुरु वाह वाह, अजय प्रोड्यूसर साहब किस लाइन में ले आए भैया को, तू चश्मा सीधा करो थोड़ी जीप जीप नीचे करो थोड़ी मैं हीरो बना के छोड़ रहा हूँ तेरी किस अजय को पूरी नॉलेज है ना ये। तो चलते हैं भैया, ठीक है, मज़ा आया आपके साथ यहाँ के, जरूर आएंगे। थैंक यू। जय माता की, जय करा शेर वाली का बोल सच्चे। तो बाय बाय बेस्ट इन, चलते हैं यहाँ से, जर्नी आगे की करते हैं शुरू। राजन जी अपना चश्मा भूल गए हैं, फोन आया होटल से वापस लेने जा रहे हैं। अरे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए चश्मा लेने? हाँ जाना चाहिए, अब ज्यादा आगे तो आए नहीं है तो ले सकते हैं। मर्जी से वहाँ पे कुकिंग करी, सब कुछ किया जैसे मालिक होम रिसॉर्ट के, मालिक आए हो मालिक के दोस्त हो, हाँ भाई हमारे दोस्त सारे करने दो इनको जो करना है, अपने होटल के में कौन अपने ब्रांड में चूल्हा लगाने देगा हमारा, रात को भी सुबह भी। गरुड़ बाजार, अरे केदारनाथ में क्या, और हम जा रहे हैं अब यहाँ से ऋषिकेश प्रमोद जी से मिलने के लिए, मंदिर है
केदारनाथ 265 किलोमीटर, बद्रीनाथ सही रूट जा रहे हैं भाई, ऋषिकेश से नजदीक तो हमारा केदारनाथ है। एक छोटे से ब्रेक के अंतराल के बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए मौसम देखिए कितना बढ़िया है यहाँ पे, और ड्राइविंग सीट पे आ गए पाजी, नज़ारे देखो, बादल पहाड़ बर्फ। क्या कर रहे हो गुरु, कौन सी लाइन से आ गए? मैं नहीं आऊंगा अगली बार से, ये अगर हमने बेल्ट नहीं पहनी होती ना, ये छत पे थे हमारे सर है ना, ये बेल्ट ने बचाया हमारे को। अरे मुंबई बाहर निकल गई थी। अच्छा मुफले लिफाफे से बाहर निकली है, जो खाई हुई है वो नहीं निकल रही। राजेश भाजी जोश में आ गए आज, कैब दे खाता हूँ ड्राइविंग क्या होती है, कैब गिर जाएगी वो कहीं लग रहे पांच चार नहीं मिलने। नहीं नहीं लाओ मुझे तो अजय अपनी टैब हमारे उत्तम नगर में क्या होता है, रिक्शा वाले अगर हाथ दे तो उसका क्या मतलब होता है बताओ बुढ़ी बाबा है राजन। उत्तम नगर में रिक्शा वाला हाथ दे तो उसका क्या मतलब होता है, कहाँ दे भाई, अगर मुड़ गया राइट साइड का हाथ दे तो राजन भी हो गया, हमने ऑर्डर दे दिया। अजय को कोई फर्क नहीं पड़ा, राजन आराम से कर रहा है, ओ ओ आराम से चिप्स खा रहा है। पहली बार सोच रहा हूँ मेरे काफी हुआ है, तो हम चलते चलते पहुंच गए रुद्रप्रयाग, और हमारी जर्नी टुवर्ड्स ऋषिकेश चालू है अभी, और अभी जो समय लगेगा यहाँ से अभी 4 घंटे दिखा रहा है, 8:40 समझ लीजिए 9 बजे तक ही हम पहुंच पाएंगे और बिना रुके, और भैया आराम करते हुए। 4 लेन का जो काम है बड़ी तेज़ी से चल रहा है, कहीं कहीं तो हाईवे बिल्कुल सही है और कहीं जो स्थिति है थोड़ी ख़राब भी है। देवी मंदिर तो नहीं आएगा
है श्रीनगर, बहुत बड़ा बाजार है श्रीनगर का। पहले हम आए थे तो काम चल रहा था, जब हम केदारनाथ गए थे जी, और बहुत ही बढ़िया बाजार, रौनक लगी हुई है। इनकम टैक्स ऑफिस श्रीनगर, शीशा बहुत गंदा हो गया। दिल्ली है यहाँ से 350 किलोमीटर जी, और बाजार बहुत लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा। हम आपको होटल दिखाएंगे शेस्तान टापू रिसोर्ट। जब फर्स्ट टाइम 2007 में 6 में आए थे हम, कब आए थे केदारनाथ, वही होटल में रुके, दो बार रुक चुके हैं, 7 में आए थे, 7 के आसपास। काफ़ी चेंज हो गया है, हाईवे मार्केट तब इतनी होती नहीं थी, और यहीं हम पैदल घूमते थे रात को, दिखाते हैं आपको अभी। हम अपने होटल शेस्तान टापू रिसोर्ट यहीं रुके थे हम। अंकल तो अंदर होंगे ना, रुकना नहीं है, पहाड़ी के ऊपर क्या काम हो रहा है, क्या डैम बन रहे हैं, 4-lane हाईवे, ये काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है उत्तराखंड में। संगम नगरी देवप्रयाग में पधारने का आपका स्वागत है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो जी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और यहाँ ले दिया होटल हमने, खाना खाना वाना खाते हैं, घूमते हैं। आओ साथियों, आओ आओ भैया जी, गंगा जी दर्शन करते, ऋषिकेश आए हैं तो गंगा मैया के दर्शन करते हैं। नहीं, ये तो ऋषिकेश है, देखो इतनी शांति इस समय यहाँ पे रात को। वाह जी वाह, इतनी शांति मिलेगी यहाँ बैठा हुआ ना, क्या बात। टाइम हो गया रात के 11:30। और रात को चाय की टपरी पे अभी भैया हमारे पाजी, भैया 1 बज रहा है, भैया 1 बज रहा है, और आप चाय पीते हो चाय, मीठा कितने डाल, एसी की आई आपकी है। The next day, हर महादेव प्रभु जी, और हर हर महादेव प्रमोद जी हमें मिल गए हैं, और ऋषिकेश से हमने इनको लिया, और ये दिल्ली हमारे साथ चलेंगे, और अभी चलेंगे पहले हम हरिद्वार स्नान करेंगे, और अपने फेवरेट हरकी पौड़ी पे स्नान करके इनकी इनका फेवरेट मोंगी पूड़ी खाएंगे। आपका भी है? नहीं, आपके भी चाव लगा? नहीं, पूड़ी खाएंगे नहीं है, मैंने अभी घर पे खाना इसलिए ज्यादा खाया कि मैं एक आध चख लूंगा बस, चख तो लेगा उसका पहले, हम तो खाएंगे, अरे हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुम इन लोगों को ज्यादा चस्का है बस। जो रास्ता लिया हमने चीला रेंज वाला लिया है, दिखाते हैं आपको, देखते हो बहुत बढ़िया। बोल गंगे मैया की जय। तो जी हरिद्वार आ गए हैं, ऋषिकेश से प्रमोद जी को लेने के बाद पहुंचे हैं गंगा स्नान, हरिद्वार स्नान करते हैं, और ये हमारे मोहन जी पुरी वाले, जय हो, जय गंगे मैया की, जय गंगे। स्नान कर लिया है हमने, और प्रमोद जी राजन जी, जय गंगे मैया की, हर हर गंगे। चलते हैं, हम अपना रिचुअल को पूरा करते हैं, मोहन जी हमारा वेट कर रहे होंगे।
स्नान हो गया है, पूरी खाते हैं। विशेष अपॉइंटमेंट है, विशेष कार्य तो अब होना है। जय गंगे मैया। देखिए जी, जब मर्जी आती है भीड़ तो वहाँ पे परमानेंट ही रहती है। वाह ये जी वाह, जय श्री राम। हमें स्थान मिल गया है, चार चार मोहन जी पूरी वाले। वाह तो जी पूरी आ गई है, ले लेंगे, दो तीन मंगा ले लेंगे। वाह जी वाह, पूरी खाते हैं, दो गिलास मजा आ रहा है। चलो चलो भागो, चलो दिल्ली फटाफट पहुंचो। चलो आपको दिल्ली ले चलते हैं।